मणिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हाईटेक गियर्स, जो कि एक ऑटो एंसरी सेक्टर की कंपनी है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह कंपनी अनुज सेठ और निमिष शाह, जो कि भारत के अग्रणी निवेशकों में से एक हैं, उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो यह कंपनी एक नहीं बल्कि दो दो बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। कंपनी ऑटो कंपोनेंट बनाती है, इंजन कंपोनेंट, ट्रांसमिशन कंपोनेंट इनका मुख्य व्यापार है, ट्रांसमिशन कंपोनेंट। कंपनी का कॉर्पोरेट हाउस गुड़गांव में है और ये यूएस में भी इसकी ऑफिसेज हैं। अगर गाड़ियों के प्रकार से देखें तो टू व्हीलर के लिए यह ट्रांसमिशन कंपोनेंट बनाती है, हल्के गाड़ियों के लिए ट्रांसमिशन कंपोनेंट बनाती है, ड्राइव लाइन बनाती है और स्टीयरिंग लिंकेज भी बनाती है। साथ ही साथ ऑफ वे और कमर्शियल व्हीकल के लिए कंपनी इंजन, ट्रांसमिशन, पावर टेक ऑफ बनाती है और इंजन गियर्स के भी कारोबार में है। तो अगर आप देखें सभी गाड़ियों के लिए यह ट्रांसमिशन गियर बनाती है, जो कि इनका प्रमुख व्यापार है। साथ ही साथ यह इंजन गियर, पावर टेक ऑफ और स्टीयरिंग लिंकेज भी बनाती है। कंपनी अब स्मार्ट सॉल्यूशंस पे ज्यादा फोकस कर रही है। स्मार्ट सॉल्यूशंस, देखिए आजकल गाड़ियां क्या होती है कि गाड़ियों को ऑटोनोमस कार, मतलब खुद से गाड़ियां स्मार्ट हो जाए, चलना शुरू कर दें, उसमें ड्राइवर की कम से कम जरूरत पड़े, इस टेक्नोलॉजी पे आगे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां काम कर रही हैं और यह कंपनी भी उसी दिशा में काम करने की कोशिश कर रही है स्मार्ट सॉल्यूशंस के जरिए। साथ ही साथ इस कंपनी ने हाईटेक रोबोटिक सिस्टम्स, एक कंपनी, एक यूनिट अपनी फॉर्म की है जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। इस कंपनी का प्रमुख कारोबार है कि कैसे रोबोटिक्स का यूसेज, रोबोटिक्स का इस्तेमाल काफी सारे कामों में है। जैसे कि हम अमेजन के वेयर हाउसेस में देखते हैं कि रोबोट एक जगह से सामान दूसरे जगह लेके जाते हैं, उस तरह के काम में कैसे ये कंपनी और कंट्रीब्यूट कर सके, जेनरिक रोबोट बना सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से, मेन स्ट्रीम कामों में रोबोट्स का भी इस्तेमाल कर सके, यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है, एक फ्यूचरिस्टिक कार्य है, भविष्य में इसके काफी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। तो एक तरह से आप हाईटेक गियर्स के रूप में एक कंपनी देख रहे हैं जो कि ऑटो एंसरी कारोबार में है, ट्रांसमिशन गियर्स इनका प्रमुख उत्पाद है। साथ ही साथ यह रोबोटिक्स और एआई सॉल्यूशंस में भी काम करती है, तो जो कि एक भविष्य के लिए काफी उज्जवल भविष्य है, जिसका काफी ज्यादा डिमांड होने वाली है, काफी ज्यादा मांग रहने वाली है। यहाँ एक चीज निवेशकों को ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जब मेनस्ट्रीम हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब ज्यादा पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल होने लगेंगे, तो कंपनी का उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, ये चीज निवेशकों को अच्छे से समझनी चाहिए। तो ऑटो एंसरी का कारोबार और रोबोटिक्स, तो रोबोटिक्स का कारोबार मुझे इनका ज्यादा अच्छा लगता है अगर ये इसको सही तरीके से आगे बढ़ा पाए। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके पोर्टफोलियो के दूसरे कंपनियों का भी मैंने अपने वेबसाइट manipati.com पे एनालिसिस किया है। साथ ही साथ इन पे मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा और चैनल पे अपने अपलोड करूंगा। भविष्य के वीडियो की जानकारी के लिए आप मणिपति यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद घंटी पे क्लिक करिए, तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका आपको पता चल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो मेरी खुद की रिसर्च है और मैं इसे साझा करता हूँ ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। धन्यवाद।